जय मदरसा। भामाशाह सम्मान समारोह। सबसे पहले मैं मोहन सिंह डूंगा दादा के वंशज होने के नाते सभी पदाधिकारियों और पधारे हुए सभी सरपंच साहब व सम्मानित मंच सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भामाशाह कार्य कर रहे उनके हौसला अफजाई करने वे नई ऊर्जा का संचार करने के लिए आपने कीमती समय निकाल कर संबोधित किया, सम्मानित किया। आपको गहराव से बहुत बहुत धन्यवाद सा, बधाई सा। खुशी हो रही है कि आज का दिन सार्थक चिंतन के नाम किया। निश्चित रूप से हमारा समाज एक जागरूक समाज के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। सभी दानदाताओं भामाशाह को बहुत बहुत धन्यवाद सा कि आपने अपनी घाटी कमाई का कुछ अंश अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित किया। इतिहास गवाह है कि हमारा समाज सदा से ही इस देश एवं समाज उत्थान में महती भूमिका निभाई। धन्य है वो देश की धरती जिनमें भामाशाह लाल बला ऐसी वीर घाता को मेट सका क्या काल बला। भामाशाह का नाम सुना ही होगा। भामाशाह राजस्थान के मेवाड़ राज्य में रणथंभौर जिले में जन्म हुआ। उनके पिता का नाम भरमल था, वो रणथंभौर के किलेदार थे। उनकी मातृभूमि के प्रति समर्पित और देशभक्ति के कारण आज वो हर दिलों में अमर है। भामाशाह जब मेवाड़ के राज्य में मुगलों का अतिक्रमण हो रहे थे उस समय अकेले महाराणा प्रताप मुगलों से सामना कर रहे थे, जूझ रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप का परम मित्र भामाशाह विश्वासपात्र सिहोगी उनके पास आए। 1576 की बात है जब महाराणा प्रताप अपना सब कुछ खो चुके थे। वो जंगलों में भटक रहे थे, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मेवाड़ की शान के लिए, मेवाड़ का आत्मसम्मान के लिए वो जूझ रहे थे। तब उनका मित्र भामाशाह आए और साथ में प्रतापबील को भी लाए थे। प्रतापबील जो अपने स्वामी भक्ति के कारण बहुत ही इज्जत से साथ उनका नाम लेता है। प्रतापबील जिन्होंने अपने पूर्वजों का धन वे खजानों के लिए स्वामी भक्ति से रक्षा की, अपनी जान की परवाह किए। तब प्रतापबील और भामा उनके पास पूछे, प्रताप के पास माना, प्रताप से कहा कि हमारे पास जो धन है वो आप धन स्वीकार कीजिए, क्योंकि हमारा जो धन यदि देश के लिए, मातृभूमि के लिए वो काम नहीं आए तो वो धन बेकार है। दोनों की देशभक्ति, मातृभूमि के समर्पण देखते हुए महाराणा प्रताप गदगद हुए, खुश हुए। तब महाराणा प्रताप ने कहा, भामा जुग जुग सिर मसी, आज करियो उपकार, प्रताप पूंजा पीतला यू प्रताप एक चार। महाराणा प्रताप ने कहा, आप जैसे सपूतों के कारण, आप जैसे वीरों के कारण, मातृभूमि के संपन्न के कारण आज मेवाड़ मुगलों के अधीन नहीं हुआ। आप चारों अलग अलग हैं लेकिन आपका मन, संकल्प, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के लिए विचार एक है, हम चारों एक हैं। वो धन इतना धन था कि 12 साल तक 25,000 सेनाओं के लिए वो निर्वाह हो सके मातृभूमि के लिए। तब महाराणा प्रताप ने उस धन का मुगलों से सामना करते हुए पूरे मेवाड़ को वो स्वतंत्र किया। 1596 में पूरा मेवाड़ स्वतंत्र हो चुका था। एक साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसे भामाशाह और ऐसे महाराणा प्रताप वीर कभी मरते नहीं हैं, वो दिलों में बस जाते हैं। आज भामाशाह
के नाम पर की योजना है चल रही है और चल चुकी है। 2000 में भारतीय टिकट डाक टिकट 3 रुपये निकली थी और राजस्थान में जो राजस्थान बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आता है उनको भी भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। यही नहीं, तत्काल जो योजना है भामाशाह कार्ड योजना वो भी उनके नाम से है। तो कहने का तात्पर्य यही है, दानवीर कभी मरते नहीं हैं, दानवीर जो दान करते हैं वो भामाशाह जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बीमा पॉलिसी की तरह चलता है। सभी दानदाताओं का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय माता जी साहब।